झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से दो बार सांसद रहे 78 वर्षीय पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला का गुरुवार की शाम निधन हो गया था। उनकी अंतिम यात्रा शव यात्रा शुक्रवार को 11 बजे उनके सिविल लाइन स्थित निज निवास से 30 किलोमीटर दूर स्थित पैतृक गांव के लिए रवाना हुई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खापरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, क्रपको के अध्यक्ष पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक गरोठा ब्रजेंद्र व्यास डमडम महाराज, चंदेरी विधायक गोपाल सिंह डग्गी राजा सहित अनेक नेता पहुंचे हुए थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये अंतिम यात्रा उनके निज निवास ललितपुर से उनके पैतृक गांव के लिए रवाना हुई और पैतृक गांव डोंगरा कला में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। आपको बता दें, पूर्व सांसद पिछले कुछ सालों से कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनका इलाज अमेरिका में चल रहा था। ललितपुर जिले के ग्राम डोंगरा कला में 1 जून 1946 को जन्मे सुजान सिंह बुंदेला ने 1965 में राजनीति की शुरुआत की थी और ग्राम डोंगरा कला में ग्राम प्रधान चुने गए थे। ग्राम प्रधान से लेकर संसद तक का सफर तय करके बुंदेला बंधु परिवार से सुजान सिंह बुंदेला ने ललितपुर जनपद का नाम बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोशन किया। उनके निधन से जनपद में शोक व्याप्त है और समूचे ललितपुर की जनता आज उन्हें याद कर रही है।